नमस्कार साथियों, राजस्थान टॉक्स पर आज हम बात करेंगे जालौर सिरोही लोकसभा सीट के जातीय समीकरण व आगामी दावेदारों के बारे में। जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर कुल 8 विधानसभा है, जिसमें आहोर, जालौर, भीनमाल, सांचौर, रानीवाड़ा, सिरोही, पिंडवाड़ा, आबू व रेवदर शामिल हैं। जातीय आंकड़ों के अनुसार आहोर विधानसभा सीट पर राजपूत व राजपुरोहित महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो वही आंजना, देवासी व मेघवाल समाज काफी प्रभावी है। जालौर विधानसभा सीट पर राजपूत व मेघवाल समाज महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो वही कलबी, देवासी व मूलोबी समाज भी काफी प्रभावी हैं। भीनमाल विधानसभा सीट पर राजपूत व कलबी समाज महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो वही देवासी, मेघवाल, राजपुरोहित व मूलोबी समाज भी काफी प्रभावी हैं। सांचौर विधानसभा सीट पर बिश्नोई व कलबी समाज महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो वही मेघवाल, देवासी, राजपूत व राजपुरोहित समाज भी काफी प्रभावी हैं। रानीवाड़ा विधानसभा सीट पर देवासी, कलबी व राजपूत समाज महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो वही मेघवाल, मूलोबी समाज व राजपुरोहित समाज भी काफी प्रभावी हैं। सिरोही विधानसभा सीट की बात करें, सीट पर देवासी व राजपूत समाज महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो वही आंजना, राजपुरोहित, मेघवाल, मीणा समाज भी काफी प्रभावी हैं। पिंडवाड़ा आदि विधानसभा सीट पर ग्रासिया महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो वही मेघवाल, कलबी, राजपूत व देवासी समाज भी काफी प्रभावी हैं। रेवदर विधानसभा सीट पर ग्रासिया व मेघवाल समाज महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो वही कोली, देवासी, कलबी व राजपूत समाज भी काफी प्रभावी हैं। जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर ताजा आंकड़ों के अनुसार कुल 22,71,498 मतदाता हैं। जातीय आंकड़ों के अनुसार जालौर सिरोही लोकसभा सीट कलबी, राजपूत और देवासी बाहुल्य सीट है, जिसमें मेघवाल, ग्रासिया, मूल ओबीसी व राजपुरोहित समाज भी काफी प्रभावी है, जिसमें राजपूत बहुलियों के साथ में 3,50,000, चौधरी, कलबी व आंजना मिलाकर के 3 लाख, देवासी 3 लाख, मेघवाल 2,75,000, ग्रासिया 1,50,000, राजपुरोहित 1,40,000, मुस्लिम 1 लाख, वैश्य 50,000 मतदाता है जो सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहा करते हैं। तो वही SC वर्ग 4 लाख से अधिक है, जिसमें मेघवाल के अलावा कोली 80,000, सरगरा 70,000, बावरी के साथ अन्य जातियां हैं। तो वही ST वर्ग के 3 लाख से अधिक मतदाता है, जिसमें ग्रासिया के अलावा भील 80,000, मीणा 50,000 के साथ अन्य जातियां हैं। तो वही शेष मूल ओबीसी जातियां 4,50,000 से अधिक है, जिसमें माली 1 लाख, बिश्नोई 80,000, प्रजापत 80,000, राणा राजपूत 60,000, घांची, लोहार, सोथार, सुनार के साथ में कई अन्य जातियां हैं जो सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करती हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए सीट पर कई उम्मीदवार दावेदारी कर रहे थे, जिसमें BJP की ओर से लूमाराम चौधरी, जो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो वही कांग्रेस की ओर से कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत का नाम चर्चा में है। उसके साथ में सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओम सिंह उमराई का नाम इस सीट से चर्चा में है। तो साथ ही अध्यक्ष ग्रेनाइट एसोसिएशन जालौर के लाल सिंह धानपुर ने भी अपनी दावेदारी पेश की है, तो उन्होंने उसके साथ में निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी तैयारी है। वही रतन देवासी, वर्तमान विधायक रानीवाड़ा, भी इस सीट से कांग्रेस के दावेदार हैं। इसके साथ में आपसे भी जानना चाह रहे हैं, इस बार सीट से कौन बाजी मार सकता है, इस बारे में अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही आपको हमारा वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक हमारे अगली वीडियो की अपडेट पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली लोकसभा के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।